हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल रोमियो में। आज हम बात करेंगे अपकमिंग फोन नोकिया 9 की। वैसे भी हम सभी काफी लंबे समय से नोकिया 8 और नोकिया 9 का वेट कर रहे हैं कि ये मार्केट में कब लॉन्च होगा। वैसे लॉन्चिंग डेट की हमारे पास में कोई ऑफिशियली जानकारी तो है नहीं, लेकिन चलिए फिर भी बात कर लेते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन और फोन कैसा होगा। फोन का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी देखने में तो काफी पावरफुल लगती है और डिजाइन भी काफी प्रीमियम है, और इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की वजह से नोकिया के लवर्स काफी दिनों से इसका इंतजार भी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। अगर लीक की माने तो 5.5 इंच की डिस्प्ले हो सकती है, जो कि OLED डिस्प्ले होगी। मतलब डिस्प्ले की रेजोल्यूशन काफी कमाल की होगी, और ऑफ कोर्स ड्यूल कैमरा की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो सभी स्मार्टफोन कंपनियां अपने फोन में ड्यूल कैमरा दे रहे हैं। 21 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा और वहीं 12 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा। जब फोन देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो हो सकता है कैमरा क्वालिटी भी अच्छी हो, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर हो सकता है। वहीं 6GB की रैम होगी और 128GB की इंटरनल मेमोरी होगी। अब देखना यह होगा कि ये कितने वेरिएंट में आता है, और नोकिया अगर इसे दो वेरिएंट में लॉन्च करता है तो हो सकता है दूसरे वेरिएंट की मेमोरी 64GB हो। बाकी नोकिया को तो हम जानते ही हैं, ये एक या दो कलर्स में लॉन्च नहीं होगा, ये 3 या 4 कलर्स में आ सकता है। बात करते हैं इसकी बैटरी की। इस फोन में 3800mAh की बैटरी हो सकती है, जो यूजर्स नॉन रिमूवेबल होगी। ओवरऑल फोन तो काफी कमाल का लग रहा है। बाकी अब हम सभी इंतजार में हैं कि नोकिया कब अपने फोन लॉन्च करेगा। बस हमेशा से रूमर्स रहती है कि नोकिया का फोन अब आएगा, तब आएगा, और पता नहीं कब आएगा। और जब भी आएगा देखना ये होगा कि इस बार बाकी स्मार्टफोन कंपनियों को टक्कर दे सकता है या नहीं। तो दोस्तों आज की न्यूज में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर तरह की टेक रिलेटेड जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।